ईश्वर ही है और है कौन। ध्यान का शुद्ध दान करो, यानी जो ये समय आप दे रहे हो ना प्रार्थना का, इसमें देखो कि आप का मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, आपके भाव, आपके विचार, आपकी वाणी, उसकी क्वालिटी पर टिके हो। जो आप दे ही रहे हो तो क्यों ना उसको बेस्ट दिया जाए, उत्तम तरीके से दिया जाए। देखो कोई प्रार्थना कर रहा है आंख बंद करके बैठा तो है, YouTube ऑन करके, मगर सोच रहा है कुछ और टॉपिक पर। वो कहेगा हाँ मैंने नवनव की प्रार्थना की, YouTube चल रहा था, मैं अपना सोच रहा था। तो ये ध्यान का शुद्ध दान नहीं है, क्योंकि हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना है, ये बीज हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाए। तो आप जो कर रहे हो ना, अब ये समय दिया ही है ना, तो ये कुछ मिनट पूरे शुद्धता के साथ, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ये है ध्यान का शुद्ध दान। और दिल से करें और क्वालिटी के साथ करें। देखो 2 मिनट भी आप दे रहे हो ना, तो इसको मैं पूरे शुद्धता के साथ डोनेट करने वाला हूँ। तो हमारी जिम्मेदारी, छोटी सी भी क्यों ना महसूस होती हो, मगर पूरी क्वालिटी के साथ आप वो दान करें। समय दान है ये, समय दान जो हर दिन दे रहे हैं। सभी को शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें, सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं, इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे, आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाए, पैटर्न्स समाप्त हो जाए। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है, सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद,
लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं, आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं, आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे, सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें, पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं, आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशुगन होगा ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं, उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ। ऐसे भावों में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं, लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है, यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त, वैसे करते रहें।
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्रेम का कानून कर्म के कानून से भी बड़ा, तो ये कैसे क्या हो गया? तो किसी को बीमारी आती है, एक्सीडेंट होता है, तो क्या कहा जाएगा? किसी बुरे कर्म का फल है। तब इसको समझना, क्या ये बुरे कर्म का फल है? एग्जाम में जब आप परीक्षा के लिए बैठते हैं, तो जब परीक्षा दे रहे हैं तो एग्जाम का कितना टेंशन होता है, तो वो टेंशन बुरे कर्म का फल है कि अच्छे कर्म का फल है? एग्जाम पेपर लिखते हो ना आप, टेस्ट एग्जाम, तो वो कौन से कर्म का फल है? विद्यार्थी जानना चाहता है, परखना चाहता है खुद को, मैं कहां पर हूं, मैंने पढ़ाई की है, मुझे कितने मार्क्स मिलती है, मुझे मालूम पड़ता है मैं कहां पर हूं, ये जानने के लिए एग्जाम है। लाइफ में जो एग्जाम्स आते हैं ना हमारे, वो किस लिए हो रही है? बुरे कर्म का फल है वो, आपको परखने के लिए, निखारने के लिए, आपको परखने के लिए, आपको निखारने के लिए। विद्यार्थी कॉलेज तक एग्जाम देता है, कभी भी उसको लगता है मेरे बुरे कर्म का फल है ये एग्जाम्स? हालांकि कितना टेंशन होता है हर विद्यार्थी को, मगर वो बुरे कर्म का फल है? बिल्कुल नहीं। ये तो आपके विकास के लिए अच्छे कर्म है। आपको एग्जाम देने को मिल रहा है, आपको खुद को जानने का मौका मिल रहा है, परखने के लिए, निखारने के लिए। तो ये बुरे कर्म का फल मत समझो। लोग हर नेगेटिव बात पर क्या स्टैंपिंग करते हैं, बुरा कर्म किया है, पिछले जन्म में किया है, इस जन्म में किया है, इसकी वजह से ये हुआ है, तो वो बुरे कर्म का फल है या प्रेम का कानून है? आपसे कोई प्रेम करता है इसलिए टेस्ट करता है, आपसे कोई प्रेम करता है इसके लिए टेस्ट ले रहा है, टेस्टिंग। आप खुद को जानो, आप कहां तक पहुंचे हो। तो कॉलेज तक तो ये विचार ही नहीं आता है कि एग्जाम जो है बुरे कर्म का फल है, मगर बाद में ये विचार क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि बाद में भी तो आप कॉलेज में ही होते हो, विश्वविद्यालय में, बाद में आप विश्वविद्यालय में होते हो, उधर भी एग्जाम चल रहे हैं, मगर आपको निखारने के लिए, आपकी परख आपको देने के लिए, उस पर बुरे कर्म का लेबल लगाकर दुखी नहीं होना है। ये समझ रखो, ये जो स्टेज तैयार की जाती है, लोग स्टेज पर भी डांस करते हैं, आग जलाकर उसमें कूदते हैं, तो क्या बुरे कर्म का फल है वो? क्या बुरा कर्म है? अरे वो तो अभिव्यक्ति है, वो तो बोलता मैं इस आग में भी नृत्य कर सकता हूं, वो जानना चाहता है, चुनौती लेता है। तो आप अलग अलग घटनाओं में नृत्य कर रहे हो, लीला में, तो क्या सोचकर कर रहे हो, बुरे कर्म का फल या प्रेम का कानून? जब आप प्रेम के कानून को समझते जाओगे तो आप आनंद लोगे टेस्टिंग का, घटनाओं में जो आपको परखा जाएगा, टेस्टिंग होगी, नेगेटिव घटनाएं, तो आप उसको कैसे ले रहे थे आज तक, अब इसमें प्रेम का कानून भी जोड़ो और इन दोनों को एक साथ समझो। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।